ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। हाय एवरीवन, दिस इज रॉय फ्रॉम स्टूडियो 9 और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे एफएल स्टूडियो में स्लाइस एक्स लेके, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप लूप से सैम्पलिंग करते हैं तो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टूल है एंड लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो हम लोग सबसे पहले इसका जो इंटरफेस है इसको समझेंगे, ये सारे जो कंट्रोल्स हैं ये क्या काम करता है वो समझेंगे, और उसके बाद हम लोग, जैसा कि मैं बाकी के ट्यूटोरियल्स में भी करता हूँ, इसके जो क्रिएटिव यूजेस हैं, कैसे आप इसको यूज़ कर पाते हैं रियल लाइफ सिनारियो में, और कैसे कैसे बहुत अच्छे अच्छे इसके एप्लीकेशंस हैं, वो भी लेके मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अंत तक देखते रहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोगों को ये एक स्लाइस एक्स इंसर्ट कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द स्लाइस एक्स। फ्रूटी स्लाइजर भी हुआ करता था, दिस इज काइंड ऑफ अ सेम थिंग। सो स्लाइस एक्स इज मच मोर एडवांस्ड, सो इफ यू लर्न स्लाइस एक्स दैट इज गुड एनफ। तो पहले मैं बता दूं कि स्लाइस एक्स होता क्या है। बेसिकली ये क्या है कि आपके जो लूप्स हैं आपके पास, वो इसको सैंपल कर सकता है, मतलब इंडिविजुअल साउंड्स में इसको डिवाइड कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लूप्स जो एफएल स्टूडियो के साथ आते हैं वो मैंने ओपन कर रखा है। तो मैं क्या करूँगा, तो इसको मैं यहां पे ड्रैग करूंगा। तो आप देख सकते हैं क्योंकि यहां पे ड्रम बीट है और काफी सारे ट्रांजिएंट्स है जो बहुत प्रोमिनेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली वो इसको चॉप कर लेता है, इसका तो बाय डिफॉल्ट यहां पे एक प्लेस कर देता है। अभी अगर मैं इसको प्लेस करता हूं, मतलब एक के बाद ये जो स्लाइसेस हैं ये बचता जाता है, लेकिन ऐसा हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को क्या करना है कि वी कैन यूज दिस स्लाइस टू मेक आवर ओन बीट, राइट। तो ये आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट के साथ ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि मेरा अभी पियानो मिडी कीबोर्ड कनेक्टेड है यहां पे, तो यहां पे देख सकते हैं आप, तो ये जो स्नेयर हाई हैट है इसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूं, किक है मेरा, यहां पे मेरा स्नेयर भी है। तो ऐसे करके मैं कोई भी यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ऐसे सैम्पलिंग ट्रिगर कर सकता हूँ इसको। अभी इसका जो इंटरफेस है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कोई भी बीट अगर ड्रैग करते हैं तो ये सबसे पहले यहाँ पे आपका स्लाइसेस में आ जाएगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्लाइसिंग ऑप्शन है इसको आप डल ऑटो स्लाइसिंग कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप चाहे तो इसको शार्प ऑटो स्लाइसिंग कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस द मीडियम ऑटो स्लाइसिंग वर्क्स ग्रेट। ओके, तो यहाँ पे अभी इंडिविजुअल जो ये रीजियंस हो गए हैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसको एडिट सुन सकते हैं। जैसे ये मेरा किक है, अभी अगर मान लीजिए कि मुझे ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे नहीं चाहिए, तो आई कैन जस्ट सेलेक्ट इट एंड प्रेस द डिलीट बटन, तो ये चला जाएगा। तो ये मेरा अभी इसको भी हटा देते हैं, तो मेरा लुक जो है काफ़ी छोटा हो गया है। मुझे ये इंडिविजुअल साउंड्स जो है इसको अगर एडिट करना है तो आप वो बहुत अच्छे से यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले ये जो हाई हैट है, मान लीजिए कि मेरा हाई हैट जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ, मैं मेरा जो इसका जो पिच है वो थोड़ा ऊपर करना चाहता हूँ, तो ये जो स्पीड वाला ऑप्शन है यहाँ पे मैं इसको ऊपर के पिच में कर सकता हूँ। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसको अगर आप चाहे तो लेफ्ट राइट पे प्लान पैन कर सकते हैं ऐसे, इसका वॉल्यूम जो है आप अप डाउन कर सकते हैं ये बटन से, और सिर्फ यही नहीं आपको यहां पे और भी कई सारे साउंड मॉडिफिकेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आर्टिकुलेटर है, आर्टिकुलेटर्स हैं ये, आर्टिकुलेटर से आप इसका जो साउंड्स है ना इंडिविजुअली आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो ये जो हाई हैट का साउंड है, या फिर मान लीजिए स्नेयर,
तो ये इंडिविजुअली एक एक सैंपल के लिए आप अलग से प्रोग्राम कर सकते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। तो यहाँ पे आप देखिए आर्टिकुलेटर वन सिलेक्टेड किया हुआ है। ऐसे अगर चाहूँ मैं तो यहाँ पे और दो तीन चार टोटल चार आर्टिकुलेशन मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आर्टिकुलेटर में जाते हैं, ये ऑफ है अभी, यहाँ पे देखिए आप ऑफ है, तो इसको ना मैं इनटू वन कर देते हैं। तो अभी देखिए ये जो स्नेयर सैंपल है मेरा, इसका कट ऑफ रेजोनेंस मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ऐसा करके आप देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग साउंड हम लोगों का यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। अभी आप देखिए कि इसके साथ अगर मैं एनवेलप जोड़ देता हूँ यहाँ पे जो एनवेलप है ये क्या करता है, दिस एनवेलप इज कैन मॉडिफाई योर साउंड ओवर टाइम। तो जैसे कि देखिए वॉल्यूम का जो एनवेलप है इसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये वॉल्यूम जो है ओवर टाइम ऐसे डिके होता जाएगा। अगर इसको चाहूँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, सो अभी देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ है ना, इसको भी मैं ऐसा कर सकता हूँ, सो इट विल फॉलो समथिंग लाइक दिस। अभी देखिए ये जो स्पीड है, ये स्पीड के साथ ना मैं जो स्क्रैचेस है, जो ग्लिचेस है, वो वाला टेक्सचर क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं एक यहाँ पे कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, देन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा हम जो है ना इंडिविजुअली कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये सारा हटा देता हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम एनवेलप ये भी हटा देते हैं, कट एनवेलप था शायद ये भी हटा देते हैं, तो हम लोगों का जो नॉर्मल स्नेयर साउंड है वो वापस आ जाता है। और इसके साथ यहाँ पे कुछ ऊपर में कुछ ऑप्शंस हैं, ये मास्टर पिच है जो पूरा का पूरा पिच ऊपर करेगा, ये मास्टर LFO लेवल है, मास्टर रैंडमनेस लेवल है और ये मास्टर वॉल्यूम है। तो इसके अलावा भी और भी कई सारे यहाँ पे साउंड मॉडिफाइंग पॉसिबिलिटीज़ हैं। कैसे, वो है ये सारे टूल्स से आप देख रहे हो यहाँ पे। जैसे कि आप मान लीजिए कि ये मेरा रिदम है, इसको मैं चलिए एक बार रिकॉर्ड ही कर लेते हैं यहाँ पे, कुछ एक रिदम बना लेते हैं। ये जो है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल A एंड डिलीट, अभी कर लेते हैं इसको रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड हो चुका है, मैं थोड़ा सा इसको जो है ना थोड़ा सा मैं क्वांटाइज और वो सब कर लेता हूँ। तो ये जो लूप है इसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है, अभी ये लूप जो है ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। तो इसको मैं कुछ इफेक्ट डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इफेक्ट मैं डालूंगा वो है रिवर्ब, जैसे कि ये है मेरा, तो यहाँ पे ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अभी देखिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जो टूल्स वाला बटन है यहाँ पे देखिए कई सारे आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं, फेड इन फेड आउट, डी क्लिक इन डी क्लिक आउट, ये करने से आपका जो क्लिक है बीच में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो कन्वोल्यूशन रिवर्ब वाला ऑप्शन है इसमें जाते हैं और यहाँ पे आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, एक काफ़ी लंबा इम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप चाहे तो दूसरा इम्पल्स यहाँ पे लोड कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं ये वाला इम्पल्स यहाँ पे लोड कर लेता हूँ, चलिए और कोई इम्पल्स लोड करते हैं यहाँ पे, तो चेम्बर्स नहीं, मैं थोड़ा सा रिवर्ब रियल स्पेसेस में जाते हैं, हॉल्स में जाते हैं यहाँ पे। तो ये मेरे पास अभी यहाँ पे रिवर्ब दे के आ जाता है, तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक्सेप्ट, तो ये मेरा स्नेयर पैटर्न चेंज हो गया। तो आप अगर अभी इसको प्लेबैक करते हैं लूप को, अभी हम लोग के पास जो स्नेयर पैटर्न है इसको मैं थोड़ा नॉर्मलाइज भी कर सकता हूं यहां पे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि काफी इसमें हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं ऐसे। अभी इसके कुछ और क्रिएटिव यूजेस मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि एक है आपका वोकल चॉपिंग, तो इसके लिए मैं और एक स्लाइसिक्स यहाँ पे इंसर्ट कर लूँगा, कर लिया मैंने।
और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा यहाँ पे जो आपका ड्रम लूप है वही डालना पड़ेगा, आप यहाँ पे कोई भी सैंपल डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको एक वोकल सैंपल यहाँ पे डाल देता हूँ। तो उसके लिए मैं वोकल्स में जाऊँगा। यहाँ पे आपका खुद का गाना भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास एक कुछ पुराना रिकॉर्डिंग्स पड़ा हुआ है, तो इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ। सो ये आ गया है यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मीडियम ऑटो स्लाइसिंग कर लेते हैं। तो ये कई सारे स्लाइस यहाँ पे आ गए हैं। तो अगर आपको यहाँ पे वोकल चॉपिंग करना है, जैसे कि आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं, तो मान लीजिए ये वाला तो आप इसको प्ले भी कर सकते हैं कीबोर्ड पे। तो ये जो वे है इसमें आप चाहे तो ग्लिचेस लगा सकते हैं। आप यहाँ पे बस स्पीड में आपको आना है, स्पीड से एनवेलप में आना है, और यहाँ पे आप कोई भी एनवेलप अगर चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो आपको एनेबल करना पड़ेगा ज़रूर, तो ये एनेबल्ड हो जाएगा। अभी इसका जो है एंड में ला देते हैं इसको। तो ये सब आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ग्लिचेस डाल सकते हैं। तो इसको अगर आप चाहें तो यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा हो गया है, इसको मैं पहले हटाता हूँ यहाँ से, फिर ये जो मेरा जा रहा है यहाँ पे, इसके साथ मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। चलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, नोट्स एंड ऑटोमेशन। अभी मैं करता हूँ प्ले। तो ये हो गया है, अभी आप सुन सकते हैं इसको। इसके साथ अगर मैं थोड़ा सा बेसलाइन ऐड करूं, बेसलाइन ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप यहाँ पे बहुत अच्छा क्रिएट करते। तो अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करना मत भूलिए, कि आपके एक एक लाइक से मेरा जो ये वीडियो है और फैलता है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर हफ्ते यहाँ पे नए ट्यूटोरियल्स आते जाते हैं। और अगर आपको मुझसे कोर्सेज करना है तो यू कैन सेंड अ मेल टू studio9kolkata@gmail.com। आप मेरा चैनल चेकआउट करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और भी FL Studio के ट्यूटोरियल्स, स्टूडियो वन क्यूबेस के ट्यूटोरियल्स वहाँ पे भरा पड़ा है। और यू कैन ऑल्सो विजिट माई साइट studio9 म्यूजिक प्रोडक्शन, कोर्स के रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फोज वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक लिए टेक केयर एंड टाटा।